ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम। यूपी तक डॉट इन ने जीता बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 27 महीने के बाद जहां शुक्रवार के दिन आजम खान को उन पर चल रहे मुकदमों से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गई है, तो वहीं सियासी गलियारों में ये चर्चा भी अब तेज हो गई है कि आजम की रिहाई के समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके साथ क्यों नजर नहीं आए, बल्कि सिर्फ एक ट्वीट के जरिए अपनी फॉर्मेलिटी ही पूरी करते दिखाई दिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी के राजनीतिक समर में आजम खान की मुलाकात अब जल्दी ही अखिलेश यादव से हो सकती है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी आजम का आमना सामना हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसकी एक वजह है, आप जान लीजिए। दरअसल सूबे में 23 मई से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में 31 मई तक चलने वाले सत्र में 26 मई को राज्य सरकार की तरफ से बजट भी पेश किया जाएगा। ऐसे में अगर आजम खान विधायक के तौर पर विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेते हैं तो सभी की निगाहें आजम खान, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ पर टिकी रहेंगी। वैसे तो जेल से रिहा होने के बाद जहां आजम खान ने सेहत का हवाला देते हुए लोगों से कुछ दिन की छुट्टी मांगी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आजम खान ने अभी तक अपने विधायक पद की शपथ नहीं ली है, क्योंकि कोर्ट ने मार्च में सीतापुर जेल में रहते हुए आजम खान को विधानसभा में शपथ लेने की अनुमति नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर तो आए हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर विधायक पद की शपथ और बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए वे विधानसभा पहुंच सकते हैं। अब लोगों की निगाहें इस बात पर भी जरूर रहेंगी कि अगर आजम खान विधायक पद की शपथ और विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने जाते हैं तो उनकी क्या सीट होगी, वे किस रो में बैठेंगे और अखिलेश यादव को लेकर उनके तेवर कैसे नजर आते हैं, क्योंकि आजम खान ने अखिलेश से लेकर योगी आदित्यनाथ पर जमकर अपने घर पर निशाना साधा। तो वहीं अब देखना होगा कि जैसे ही आजम खान जेल से छूटे तो वहां पर शिवपाल यादव से आजम खान ने मुलाकात की और ये नजदीकियां कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा सकती हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आजम खान विधानसभा पहुंचने पर क्या वापस अपने वही पुराने अंदाज में लौटते हैं या फिर स्वास्थ्य के कारणों से लोगों से दूरियां बनाकर ही रखते हैं। तब तक यूपी की हर एक राजनीतिक खबर को पढ़ने और देखने के लिए सिर्फ एक ही जगह, यूपी तक और यूपी तक डॉट इन। शुक्रिया।